गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल मैंने आपको पार्ट चार की हिंदी समझाई, आप लोगों ने अपने में लिख ली होगी। आज मैं आपको उससे आगे की हिंदी समझाऊंगी। महात्मा गांधी उच्च शिक्षा अवाप्य बैरिस्टर अभवत। परम देशस्य दुर्दशाम विलोक्य तस्य मना विधि कार्य न अर्मत। महात्मा गांधी ने उच्च शिक्षा अवाप्य प्राप्त करके बैरिस्टर अभवत हुए। महात्मा गांधी उच्च शिक्षा को प्राप्त करके बैरिस्टर हुए। परंतु देशस्य देश की दुर्दशा बुरी दशा विलोक्य देखकर तस्य उनका मनः मन विधि कार्यों में नहीं लगा। परंतु देश की दुर्दशा देखकर उनका मन विधि कार्यों में नहीं लगा। तस्य चेतः आंग्लियानाम शासकानाम अनाचारम दृष्ट्वा अति दुखिता अभवत्। तस्य उनका चेता मन आंग्लियानाम अंग्रेजी शासकानाम शासकों के अनाचारम अत्याचार को दृष्ट्वा देखकर अति बहुत दुखिता दुखी अभवत् हुए। उनका मन अंग्रेजी शासकों के अत्याचार को देखकर बहुत दुखी हुआ। तेषां विरोधं कर्तुम असहयोग आंदोलनम अचालयत सत्याग्रह च अकरोत्। उन्होंने तेषां विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलनम च और सत्याग्रह आंदोलन चलाया। आंग्ल शासक बहुवारं गांधी ने कारागार से दंडम अयच्छन्। परम महात्मा गांधी तेभ्य त्रस्त न अभवत्। अंग्रेजी शासकों ने बहुत बार गांधी को जेल की सजा दी। परंतु महात्मा गांधी तेभ्य उनसे त्रस्त दुखी नहीं हुए। अंग्रेजी शासकों ने बहुत बार गांधी को जेल की सजा दी। परंतु महात्मा गांधी उनसे दुखी नहीं हुए। अंते तस्य महापुरुषस्य अनवरत प्रयत्नेन अस्माकं भारतं स्वतंत्रतम अभवत्। अंत में तस्य उन महापुरुष के अनवरत लगातार प्रयत्न से अस्माकं हमारा भारत स्वतंत्रम आजाद अभवत् हुआ। अंत में उन महापुरुष के लगातार कोशिश से हमारा भारत आजाद हुआ। अस्य महानतम विलोक्य कविना रविन्द्रनाथ टैगोरेण अयम महात्मा इति संज्ञे सम्बोधिता कृतः। इसकी महानता को विलोक्य देखकर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अयम इन्हें महात्मा गांधी की संज्ञा उपाधि संबोधित कृता किया गया। इनकी महानता को देखकर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि
से संबोधित किया गया। भारतीय जना एनम प्रेमणा बापू इति कथयन्ते स्म। भारतीय जना लोग एनम इन्हें प्रेमणा प्रेम से बापू इति कथयन्ते स्म, बापू भी कहते हैं। भारतीय लोग इन्हें प्रेम से बापू भी कहते हैं। बेटा ये आपकी हिंदी पूरी हो गई है, मैं आज आपको सेंड कर दूंगी। तो आप फेयर कॉपी में सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद इस पाठ की हिंदी करेंगे। धन्यवाद, ये आपका होमवर्क होगा।